सर आपके बहुत सारे मतलब आपने मूवियों में काम किया, जैसे जॉनी लीवर सर के साथ काम किया, तो कभी सर आते हैं यहाँ पे? जॉनी लीवर मेरे को देख के सीखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आ चुका हूँ कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले दिनेश हिंगू सर के घर पे, जो कि देख सकते हो हमारे यहाँ पीछे गीता भवन, इनके बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है गीता भवन, जहाँ पे ये रहते हैं। और यह आपको देखने को मिलेगा टाटा, ये देखिए हमारे पीछे है टाटा गार्डन, इसी टाटा गार्डन के जस्ट सामने है यह अपार्टमेंट। और आज मैं इनसे मिलने वाला हूँ, सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यह बाजीगर मूवी, फिर हेरा फेरी और बहुत सारी ऐसी मूवियों में, लगभग 300 मूवियों में ये काम कर चुके हैं। सो आज इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आप लोगों को वो जो फोर्थ फ्लोर की बिल्डिंग दिख रही होगी, उसी पे फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, बीच वाली बिल्डिंग पे हमारे दिनेश हिंगू सर, जो कि देख सकते हो। यहाँ का आप लोग को मैं दिखा देता हूँ लोकेशन, ये देखिए कुछ इस टाइप का यहाँ का व्यू है, ये देख सकते हो। ये देखिए, और इस बिल्डिंग का नाम है गीता भवन, जो कि चलिए मैं अभी आपको ले चल के पास से भी दिखाता हूँ। ठीक हो गया अभी, आराम है ना सर? एकदम सही हो गया ना सर? सर और बहुत सी मूवी में आपने काम किया, किसी मूवी का कोई डायलॉग आप अगर सुनाना चाहें तो? सर मेरे को याद नहीं। याद नहीं सर? और सर आपके बहुत सारे मतलब आपने मूवियों में काम किया, जैसे जॉनी लीवर सर के साथ काम किया, तो कभी सर आते हैं यहाँ पे? जॉनी लीवर मेरे को देख के सीखा। हाँ, कुमार के शो में। देख के सीखा, क्योंकि हमारा शो सन्मुखानंद में होता था। हाँ, और उसके बाजू में जॉनी लीवर था। अच्छा अच्छा, जब भी किशोर कुमार का शो तो वो आ जाता जी सर, तो बैठता था उधर, शो देखता था पूरा। अच्छा, सच्ची बात है ना, हम किसी और को देख के ही सीखे हैं जी सर। और सर देखिए यहाँ पे, और सर अभी ये टाइम पे आपने फिल्मों से दूरी बना ली है? बिल्कुल नहीं, नहीं, मैंने दूरी नहीं बनाई है। हाँ, उन लोगों ने दूरी बनाई है मुझसे। अच्छा, मैं तो काम करता हूँ, जो आता है करता हूँ। अच्छा, बाहर गाँव नहीं जाता। अच्छा, अपने इंडिया में ही? इंडिया। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया नहीं। हाँ, बॉम्बे से बाहर नहीं, जो नज़दीक में हो तो कहीं जाता हूँ। ठीक है सर, बहुत दूर ही फलाना देखता, दूर नहीं जाते हैं, बस अपने इंडिया में जितना रहता है नज़दीक में हो। हाँ, जहाँ से आप आसानी से घर पहुँच सके, अगर कुछ भी लफड़ा, बाकी एकदम दूर जाके लद्दाख में रख दिया किसी ने। हाँ, फिर जेब में पैसा नहीं है, लद्दाख से आना है मुंबई। हाँ, तो कैसे आओगे जी सर? भीख मांगोगे अल्लाह के नाम पे? जय जय बाबा अल्लाह के नाम पे, जय जय बाबा। घर जाएगा, काम करेगा तो तेरे को याद करेगा। सर आपका फिर हेरा फेरी में, जैसे आपने फिर हेरा फेरी का, सर आपसे मुझे यही पूछना था कि आपने सबसे ज़्यादा किसके साथ मूवी मतलब रोल अदा करना पसंद किया, जैसे जॉनी लीवर हो गए या फिर कादर खान सर हो गए, किसके साथ आपने बहुत अच्छा समय बिताया है? दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों के साथ करता हूँ। अच्छा, कादर खान के साथ भी मज़ा आता है। हाँ, और जॉनी लीवर के साथ भी मज़ा आता है। अच्छा, वो क्या है? हाँ, कॉमेडी में तो एक दूसरे को रिस्पॉन्स नहीं देंगे। हाँ, तो कॉमेडी होगा नहीं, नहीं समझे आपने? जी सर, जैसे किसी ने बोला यूं करेगा तो मालूम पड़ेगा ना किसी ने इसका किया है, तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी अकेले नहीं होता है, कॉमेडी में कोई सामने चाहिए रिस्पॉन्स देने वाला, तो दोनों मेरे को पसंद है। महमूद के साथ भी पसंद पड़ेगा मुझे तो, और महमूद जैसा कॉमेडियन, उनके जैसा चांस किसी और को नहीं मिला है आज तक फिल्म इंडस्ट्री में जी सर, और मिलेगा भी नहीं।
क्योंकि आज के बनाने वाले पिक्चर नए लोग हैं, नया जनरेशन, वो हीरो हीरोइन पर ध्यान देते हैं और उसके बाद जब वो लाइन तोड़ के चले जाते हैं, जो लड़का हुआ फिर लड़की हुई उनके घर में, जी सर, वो भी हीरोइन बनेगी और बनते हैं वो, जी सर, ऐसा है। तो सर आपके लड़के फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए? मेरे लड़के ने दो पिक्चरें किए राजेश रेड्डी, अच्छा, प्रोडक्शन पे मेन कॉमेडियन का रोल किया था, अच्छा, उसने, लेकिन उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, तो काम नहीं कर रहा है वो। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप स्ट्रगल आज के लड़के हैं, जैसे बहुत सारे काम स्टार्ट करते हैं, कॉमेडी हो गई या फिर ऐसा यूट्यूब चैनल हो गया, कुछ भी स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेशेंस नहीं है उनमें, कोई आज टिकट नहीं मिली है, आज पास नहीं हुआ हूँ, कल किसी और के पास जाऊँगा। इंडस्ट्री को एक दो आदमी की थोड़ी है, हजारों आदमी है, जी सर, और हजारों आदमियों को, जी सर, वो धंधा मिलता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, जी सर, तो वो अदली बदली तो होती रहती है ना, जी सर, उसके लिए पेशेंस होना ज़रूरी है। बार बार एक आदमी को मिलना, सलाम करना, मांगो मत, जी सर, काम वो देंगे, तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारे अंदर क्या रखा हुआ है वो देखने से मालूम पड़ जाता है डायरेक्टर को, जी सर, और वो ऐसे काम देते हैं, समझे? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और अगर आप भी इनको इनसे मिलना चाहते हो तो आप आ सकते हो, सर बहुत ही हिट मूवियाँ हमको दिए हैं, तो सर चलिए सर चलते हैं, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इससे हमारा एक मूवी है, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, जिसका नाम है, हाँ, हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, और मेरे साथ अरुणाग ने काम किया था, तो पिक्चर रेडी पड़ा हुआ है कई सालों से, अच्छा, उसको कोई रिलीज करा दे तो मज़ा आ जाए, देवानंद का भांजा उसमें हीरो है, अच्छा, समझे आपने? ठीक है सर, रेडी है, टोटली रेडी है, कभी भी कोई रिलीज करा दे तो बहुत बड़ी बात होगी, चाहे वो टीवी पे हो चाहे थिएटर में हो, थिएटर में हो, लेकिन रिलीज पब्लिक के सामने आना बहुत जरूरी, सबके सबसे ज़्यादा जजेस है पब्लिक, जी सर, बड़े जजेस हो ये कि इनको ये पसंद आया, काम आया, ऐसे लोग, ऐसी बात हो तो बात पसंद आती है। मैंने अब्बास मुस्तान के साथ काम किया, वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और वो जो करना चाहते हैं कॉमेडी में वो करने देते हैं, खुला हाथ छोड़ देते हैं, बोले करो क्या करते हो, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, कॉमेडी का बंधन नहीं चलता है, समझे आप? जब सूझा शॉर्ट में तो उसी वक्त होना था, वो हो गया और वही कॉमेडी होता है। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो सर से मिलना चाहते हो तो ये देखिए, आप लोगों को बिल्डिंग दिखा देता हूँ, ये रही बिल्डिंग और ये रहा रास्ता, और ये देखिए यहाँ का लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये टाटा गार्डन, और ये देखिए गीता भवन, इस अपार्टमेंट का नाम है बिल्डिंग का गीता भवन, जो कि देख सकते हो, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर अच्छी तरह से, ये देखिए यहाँ पर काम भी चालू है, और यहीं पर आके बैठते हैं हमारे दिनेश हिंगू सर, यहीं पे आके इस कुर्सी पे, यहीं कुर्सी लगा के बैठते हैं, कभी कभी यहाँ बाहर बैठते हैं और वॉकिंग करने के लिए यहाँ पे वो चलते रहते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा दिनेश हिंगू सर के बारे में बता देना चाहता हूँ। दिनेश हिंगू सर का जन्म 13 अप्रैल 1940 को गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। दिनेश हिंगू सर का असली नाम है दिनेश हिंगू रानी। पारसी परिवार से आने वाले दिनेश हिंगू सर ने कॉलेज टाइम से ही एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वह एक्टर बनने के लिए गुजरात से मुंबई आ गए थे, और इसका मुख्य कारण है कि उनका परिवार एक्टिंग और नाटक को सपोर्ट नहीं करता था। अब मुंबई तो आ गए थे, लेकिन उनका संघर्ष माया नगरी से पहुंचकर शुरू हुआ, और यहाँ उनकी मुलाकात मशहूर नाटककार चंद्रवर्धन भट्ट से हुई। उन्होंने उनके साथ मिलकर कई रोल प्ले किए,
सिंगू जी ने अपने करियर में हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, भोजपुरी, बंगाली भाषा में भी काम किया। 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी है और यह जॉनी लीवर के गुरु भी हैं। जैसा कि इंटरव्यू में जॉनी लीवर सर ने खुद बताया कि दिनेश हिंगू जी मेरे गुरु हैं। हे दोस्तों, आप लोगों को दिनेश हिंगू सर का यह वीडियो, इंटरव्यू वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। मिलते हैं आप सबको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो गीता भवन अपार्टमेंट का नाम, जो कि ये देख सकते हो हमारे पीछे। तो चलिए मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। बाय।